रुड़की के बाद सहारनपुर में भी जहरीली शराब का तांडव देखा गया, जिसमें सैकड़ों लोग बीमार हुए और कितने लोगों की जानें चली गई। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जिला अस्पताल के CMS, अब हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह से ये मौत का आंकड़ा बढ़ा, किस तरह से लोग भर्ती हुए और किस तरह से उन्होंने उनको कुछ लोगों को बचाया भी। जी डॉक्टर साहब, आपका ETV में स्वागत है। आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे ही शराब के केसेस आने लगे, किस तरह का उस वक्त अस्पताल में माहौल देखा? देखिए, केस आने शुरू हुए थे 8 फरवरी 2019 को सुबह 8:20 से, और जब केस आने शुरू था शुरू में तो केस कम आए थे, तो ये तो मालूम पड़ गया था कि हाँ कुछ केसेस आ गए हैं। इतने केस कभी नहीं आते हैं, एक दो केस आते हैं, अचानक 10 केस आ गए। उन 10 केसों में जहरीली शराब की एक शिकायत की थी उन्लोगों ने कि हमने शराब पी है 7 तारीख की दोपहर और शाम को, तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने इलाज किया और तुरंत इलाज करना शुरू किया। लेकिन वो मरीज इतनी गंभीर हालत में थे कि वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे, कोई बयान देने की स्थिति में नहीं थे। कुछ मरीज उसमें गैस्पिंग कंडीशन में थे, गैस्पिंग मतलब जिनकी सांस उखड़ रही थी, और हमारा पहला उद्देश्य था उनकी जान बचाना। मैंने तुरंत अपने अस्पताल में SBD जिला चिकित्सालय सहारनपुर में मैंने इमरजेंसी लागू कर दी, आपातकाल लागू कर दिया, और अपने सारे स्टाफ सारे डॉक्टरों को मैंने बुला लिया। मैं समझ गया कि मामला गंभीर है और सभी डॉक्टर्स आ गए, उनका मैं धन्यवाद करता हूं, और हमारे फिजिशियन सर्जन और हमारे बाकी सभी डॉक्टर्स आके उसमें लग गए और इलाज करना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी फिर उसके बाद तत्काल मैंने इलाज करने के बाद जो अपना सहारनपुर जिला का जो मेडिकल कॉलेज है शेखुल हिंद, उनके प्रिंसिपल डॉक्टर त्रिवेदी से मैंने बात की। मैं कहा सर आपके यहाँ वेंटिलेटर्स कितने हैं? उन्होंने बताया कि उस वेंटिलेटर्स हैं। मैं कहा मैं आपके मरीज भेज रहा हूँ। उन्होंने कहा भेज दीजिए। फौरन मैंने ALS का इंतजाम किया और यहाँ जो मरीज ठीक हो रहे थे उनको रोका, और जिन मरीजों को वेंटिलेटर की आवश्यकता थी और ठीक नहीं हो पाए थे उनको हमने सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज भेजा। थोड़ी देर बाद उनकी खबर आती है और मरीज हमारे पास लगाना जा रहे थे। जो मरीज आ रहे थे इधर हमारे पास, थोड़ी देर में सारे प्रशासनिक अधिकारी भी आ गए, सभी CEOs आ गए थे, SP साहब आ गए, DM साहब के लगातार DM साहब को निर्देश मिल रहे थे कि आप इलाज करिए, और जो सीरियस मरीज हैं उनको तत्काल आप जो है यहाँ से बड़े अस्पताल में रेफर करिए। CMO साहब आ गए, अपर निदेशक महोदय आ गए, एक टीम वर्क में हम लोग काम कर रहे थे। और किस तरह के सिम्टम देखे जा रहे थे जो उसके बाद जो मरीज आए थे, हिस्ट्री सबकी यही थी कि मैं ये भी कहना चाहूंगा उसके साथ हमारे जनरल मरीज भी बहुत सारे आए थे। 8 तारीख को हमने 400 मरीज के आसपास भर्ती किए हैं, आप इमेजिन करें, जिला जगह 400 मरीज भर्ती किए, जिसमें अकेले 128 मरीज तो अकेले इसी के थे सस्पेक्टेड, 128 एक पहले दिन भर्ती किए 8 तारीख को। तो उसमें सिम्टम ये थे कि उल्टियां होना, सिर में दर्द, अचानक मरीजों का बेहोश होना, सांस उखड़ जाना, और कुछ लोगों की आंखों में तकलीफ। तो आंखों की तकलीफ पीड़ित कितने लोग भर्ती किए गए थे और कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोगों को आप लोगों ने? 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 216 मरीज हमारे यहाँ आए, जिसमें से जो मुझे रिकॉर्ड अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा उसमें से 18 मरीज जो कि 8, 9 और 10 में आए थे, ये मृत लाए गए थे, इसका मतलब उनकी मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी थी। 19 मरीज हमारे अस्पताल में इलाज के दौरान जो गंभीर मरीज थे उनकी मौत होगी, और इलाज के दौरान, और हमने 40 मरीज रेफर किए थे यहाँ से मेडिकल कॉलेज में। हमने लगभग 29 मरीज हमें रेफर किए शेखुल हिंद साहब मेडिकल कॉलेज में, और 8 मरीज हमने भर्ती किए उच्च अधिकारी के आदेश पे, CMO के आदेश पे, जो वेंटिलेटर वाले अस्पताल हैं हमारे सक्षम और मेडिगाम, जहां पे वो किसी को नहीं बचा पाए क्योंकि हालत मरीजों की बहुत गंभीर थी। तो इस प्रकार से हमने रेफर किए मरीज। कितने लोगों को पोस्टमार्टम? और 216 मरीजों में 102 मरीज हमने ठीक करके वापस भेज दिए। पोस्टमार्टम का जिम्मेदारी हम लोग यहां से जो डॉक्टर की टीम लगी हुई थी, रात को जो 8 तारीख को करना शुरू किया पोस्टमार्टम, लाशें बहुत हो गई थी तो उनका पोस्टमार्टम करते हुए दो डॉक्टर और एक स्वीपर जो थे वो जब बहुत थक गए तो दो डॉक्टरों की टीम मुझे सुबह 3 बजे भेजनी पड़ी यहाँ से। डॉक्टर अनिल और डॉक्टर भट्ट गए, उन्होंने पोस्टमार्टम किया। जो स्वीपर था जो पोस्टमार्टम कर रहा था वो बेचारा बेहोश होकर गिर पड़ा, तो मैंने तुरंत अपर निदेशक महोदय से कहकर और कमिश्नर से कहकर और DM साहब से कहकर, DM साहब ने तुरंत उसमें सहयोग किया, वहां के DM से बात की मुजफ्फरनगर, और वहां से हमारा जो स्वीपर था वो आया। अब सूचना जो पोस्टमार्टम की है, देखिए ये CMO साहब के अंडर में आता है, लेकिन जो सूचना मेरे पास में है 62 लोग सस्पेक्टेड पॉइजनिंग के लोगों का पोस्टमार्टम किया गया है, जिसमें से कि अब वो तो बिस्तर के बाद मालूम पड़ता है। हमने उस बिस्तर में ब्लड भी लेके भेजा है, जिससे कि केमिकल एनालिसिस करके जाना जा सकता है कि एक्चुअली में उस विषय में था क्या। जो बीमार लोग हैं उनका भी कोई सैंपल? बीमार लोगों का हमने वोमिटिंग कराई यहाँ पे, वोमिटिंग कराकर उनका गैस्ट्रिक इलाज कराया, वो उन लोगों का गैस्ट्रिक इलाज कराया जो गैस्ट्रिक इलाज करने की स्थिति में थे, क्योंकि मरीज बहुत बहुतायत में आ रहे थे
और बहुत ज्यादा मरीज थे, आ रहे थे जा रहे थे, तो अधिकांश मरीज तो ऐसे थे जो उल्टी करने की स्थिति में नहीं थे। गैस्ट्रिक लवाज टेक्निकली देखा जाए तो केवल 3 से 4 और 5 घंटे के अंदर गैस्ट्रिक लवाज की वैल्यू है, वरना इसकी वैल्यू नहीं है। तो जो मरीज मेरे पास पहला मरीज आया वो लगभग 15 घंटे बाद आया। ये एक चुनौती रही है जिला अस्पताल के लिए, बहुत बड़ी चुनौती रही है। और मेरे पास जो मरीज आए वो 15 घंटे बाद भी आए, 35 घंटे बाद भी आए और 55 घंटे बाद भी आए। तो हमने अपना काम पूरा किया, डॉक्टर ने अपना काम पूरा किया, सभी लगे रहे, संवेदना भी हम लोगों ने दिखाई, लेकिन इसका बड़ा अफसोस है कि जो गंभीर मरीज थे उनका बचा नहीं पाए, क्योंकि वो बहुत काफी समय हो चुका था, कोई घातक विष साथ में मिला हुआ था। अभी तक ये जानकारी नहीं कि उसमें विष क्या मिला था, लेकिन हम लोगों ने अपना काम पूरा किया। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर वर्ष ने, जो जिन्होंने अस्पताल में पूरी जिम्मेदारी के साथ न सिर्फ 102 लोगों की जानें बचाई, बल्कि जो मरीज यहाँ पर गंभीर हालत में आए थे और वो अकाली मौत के मुंह में समा गए, उनका भी अफसोस जता रहे हैं। लेकिन जो शराब में जैसा कुछ मिला था जिससे कि अकाली सैकड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए, ये इसके लिए जो बिसरे को जांच के लिए भेज दिया है। रोशन लाल सैनी, ETV सहारनपुर।